अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप अच्छी होगी, खैरियत से। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। और ये आजकल टिकटॉक पे बड़ी फेमस है, डेलगोना, थोड़ा सा नाम वो हो जाता है, कॉफ़ी, डेलगोना कॉफ़ी। तो ये जो है वही वाली कॉफ़ी है जो मैं बनाती हूँ अक्सर ही। तो आप इसे हॉट मिल्क के साथ भी बना सकते हैं और कोल्ड के साथ भी। कुछ नहीं करना, 1 टीस्पून आप कॉफ़ी लें, 1 टेबल स्पून शुगर ले लें या कम ज़्यादा कर लें अपने हिसाब से, दोनों चीज़ें जितनी आप चाहते हैं। और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, और उसको खूब अच्छे से हम उसको मिक्स करेंगे। विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं आप, हैंड बीटर से कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि वो स्पून से गिरे ना, तब जाके वो कम्प्लीट जाएगी। फिर उसमें हॉट या कोल्ड जैसा भी मिल्क चाहे वैसा मिला रहे हैं आप। तो यहाँ पे कोल्ड मिल्क मिलाया है, आइस क्यूब वगैरह डाल के बढ़िया सा डेकोरेट करके हर इस तरफ से, और तैयार है। तो बहुत आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का जो वीडियो है ये स्पेशली प्यारे प्यारे दो नन्हे नन्हे बच्चों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको विश कर देती हूँ मैं, हैप्पी बर्थडे टू यू अजान एंड माहिरा। और अल्लाह पाक आपको बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे, आपके माँ बाप का आप नाम रोशन करें, खूब सेहतमंद ज़िंदगी हो, पढ़ो लिखो, खूब कामयाब बनो, दीन दुनिया और आखिरत में खूब कामयाबी हासिल हो, और आपके माँ बाप के खूब दर्जे बुलंद हों। और आपकी मम्मा इतनी प्यारी हैं, जाहिर सी बात है आप लोग भी इतने प्यारे हो गए, काश कि हम आपको देख भी सकते तो ज़रूर और अच्छा लगता हमें। और नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी बहुत प्यारे से हो गए आप दोनों, क्योंकि आपकी मम्मा इतनी प्यारी सी हैं। तो जाहिर सी बात है जब मम्मा इतनी प्यारी हैं तो बच्चे तो बहुत ही प्यारे होंगे। तो आप बहुत खुश रहिए और ज़रूर बताइएगा कि आपका दिन कैसा रहा और कैसे सेलिब्रेट किया, मम्मा ने क्या बनाया आपके लिए, क्या किया आपने। और ट्विंस हैं आप लोग क्या, जो आपका एक साथ बर्थडे आता है, तो ये सब भी बताइएगा, मम्मा ने शायद अभी तक नहीं बताया है, तो ज़रूर बताइएगा ये सारी चीज़ें। और खाला जान की तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत खुश रहिए और मैनी मैनी हैप्पीटेंस ऑफ द डे। बार बार ये दिन आए आपकी ज़िंदगी में, बहुत लंबी और अच्छी ज़िंदगी हो, सेहतमंद ज़िंदगी हो, और खूब अच्छे रहें आप दोनों। और ये पिज़्ज़ा बनाया है मैंने ये खा लीजिए खाला जान की तरफ से, और तो कुछ भी फ़िलहाल आपको दुआओं के अलावा नहीं दे सकती हूँ मैं। तो ज़रूर बताना सम्मू कैसा रहा ये, स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया है। इतनी प्यार से आपने रिक्वेस्ट की थी ना कि मेरा मूड नहीं था, लेकिन बस आपका सुनते के साथ ही मुझे मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने ये वीडियो सिर्फ आपकी वजह से बनाया, वरना मैं चाह रही थी, बट थोड़ा सा मूड जो है ना मेरा आगे पीछे हो रहा था। लेकिन अब आपने इतने प्यार से कहा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ कि आप इतनी अच्छी प्यारी सी सब्सक्राइबर के साथ साथ मेरी, मतलब व्यूवर सब्सक्राइबर और बहुत प्यारी सी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी, मतलब अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना और आपके कमेंट्स पढ़ना, आपकी दुआएं देने का तरीका बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। तो ये जो आज का वीडियो है ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है स्पेशली, और प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चों के लिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सारे दुआएं दीजिएगा प्लीज़, और खूब दुआएं दे दीजिएगा बच्चों को, बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा मेरी तरफ से दोनों बच्चों को, ठीक है? और आप सब भी दीजिएगा। तो ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर नान था ना, उसका डो बचा हुआ रखा था, तो उसका मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पिज़्ज़ा की बहुत तेज़ वाली क्रेविंग हो रही थी। और जो मतलब आजकल, मतलब घर बैठे बैठे ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना कहते हैं, वही हाल हुआ है सबका। तो मतलब मेरा ही दिल नहीं चाह रहा है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना वो लोग भी कुछ ऐसा बनाती नहीं थी, लेकिन आजकल वो लोग भी इतनी चीज़ें बना बना के मुझे व्हाट्सएप कर रही हैं काफ़ी चीज़ें, कि मतलब उनको देख के भी दिल चाहने लगता है। कि मेरा अभी कुछ दिन से समोसों का बहुत दिल चाह रहा था, एक दिन जलेबी का मतलब भाभी ने बना के भेज दी, दिल हो गया तो मैंने भी बना ली। समोसों का बहुत दिनों से दिल है, मैं उनकी काफ़ी दिनों से जान खा रही हूँ, तो फ्रेंड्स ने बना के भेज दी, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब इतनी चीज़ें आजकल लोग, मतलब कोरोना नहीं हो गया, पिकनिक हो गया, लोग घर में ही शुरू हो गए हैं। तो बस वही मुझे भी क्रेविंग हो रही थी, बट चीज़ नहीं था घर में। फिर जब अभी इस टाइम पे ये लॉकडाउन से पहले शॉप्स वगैरह ओपन थी, तब मैंने मंगवाया था, तो तभी मिला नहीं, तो स्लाइस वाला मिला। मैंने कहा चलो जो भी मिल रहा है आने दो, बना लेंगे, उससे ही काम हो जाएगा हमारा। तो ये मैंने पनीर भी डाल दिया था, थोड़ा सा पनीर था तो पनीर भी मैंने डाल दिया, और सॉस वॉस और वाइट सॉस और सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी।
पहले मैंने जो उसका पिज्ज़े का सॉस आता है ना वो मिलाया, फिर वाइट सॉस, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स जितनी भी थी वो कर दी, और फिर उसके बाद चीज़ जो था हमारा बचा हुआ वो मैंने डाल दिया। तो काफ़ी जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड बन गए हैं, जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, जैसे मैं शबनम से हूँ, वो भी मतलब जैसे पूछते हैं कि व्लॉग कब आएगा, और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मतलब व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ, वो लोग भी पूछते हैं, काफ़ी फिक्र होने लगती है। तो यार दिल थोड़ा सा अपसेट सा था, क्यों था क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ी सी वजह चीज़ें जितना भी मैं कोशिश कर सकती हूँ तो वो मैं बताऊंगी आपको, आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है हमारा, बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का, बच्चों को इतना पसंद आया, बच्चे कहने लगे वाह यार मम्मा आप तो सभी कुछ अच्छा बना लेती हो, पता नहीं बच्चे मज़े लेते हैं मेरे या सच बोलते हैं। और ये ना एक वर्स्ट मतलब एक कहते हैं ना कि वो मतलब बिगड़ी हुई रेसिपी, ये वो है। क्या हुआ कि मेरा बहुत दिनों से दिल हो रहा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं रही थी, कभी मैं भूल भी जा रही थी, कभी मेरा मूड नहीं था, तो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था साबूदाना। सासू माँ को लगा कि शायद मुझे बनाना है, और उन्होंने भिगो दिया, और फिर इसको भीगा ही रहने दिया। तो उसके बाद इसकी हालत कुछ ऐसी थी, अब जब उन्होंने भिगो दिया था तो फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, आपका दिल है तो ऐसा हो जाता है। तो इसको भिगोने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना साबूदाना है ना उतना ही पानी लेके आप इसको भिगो दें बस, फिर उसके बाद अच्छा हो जाता है, और नहीं तो फिर आधा एक घंटे के लिए भिगो के आप इसको निथार दें, तो मतलब रात में ऐसा करके रख दें आप, तो रात भर एकदम खुला रहेगा ना फरेरा, बड़ा अच्छा हो जाता है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे सिर्फ इसके हालात दिखाने थे कि देखो कितने बिगड़े हुए हालात हैं, हम इंसानों के नहीं चीज़ों के हालात भी बिगड़े हुए हैं आजकल, माहौल जो है ना आबो हवा में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो खैर कभी कभी ऐसा भी होता है चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बड़ा बुरा लगता है, कोई बात नहीं। तो चलो बाकी का वीडियो आप देख लो, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और तो कल शब रात थी, अभी मैंने 2-1 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि थोड़ा सा मेरा मूड जो था ना वो अपसेट था, और कल शब रात थी, शब रात, शब कदर, जो भी आप लोग कहते हैं, सबका अलग अलग कहने का तरीका होता है, तो वो थी। और मेरे लिए एक बड़ी ही इससे चीज़ एक टची सी है जो उससे मतलब जुड़ी हुई है, कि कल पापा को पूरा 1 साल हो गया है, और उनको देखे हुए, उनसे मिले हुए, उनकी दुआएं लिए हुए, और मैं सोचा था मैं वीडियो में शेयर करूं बट उससे हुआ नहीं यार, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और इतनी इमोशनल हो गई थी कि मुझे रोना ही आ गया था, और मैंने सोचा कि अगर मैं रोऊंगी तो डेफिनेटली जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना वो लोग भी रोने लगेंगे, वो क्या फ़ायदा है किसी को रुला के। तो इस वजह से मैंने वीडियो फिर नहीं बनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी, और अब वीडियो क्यों बनाई है उसका भी मैंने रीज़न बता दिया है आपको पहले, तो इस वजह से बनाई है। और सबसे मैं यही कहूँगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी देख रहे हैं, जिनके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, सभी से मतलब यही कहूँगी मैं, अपने पेरेंट्स की बहुत बहुत कदर करिए, इज़्ज़त करिए, प्यार करिए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत प्यार करिए। माँ बाप को मालूम है प्यार से, मोहब्बत से देखने का एक हज के बराबर सवाब है, तो आप उसको ज़रूर लिया कीजिए, उनसे बिल्कुल बदतमीज़ी नहीं करिए, क्योंकि जब होते हैं ना तब हमें उनकी कदर नहीं होती है, और जब ये अचानक से चले जाते हैं ना तब हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मुझे मतलब चीज़ें याद आती हैं पापा की जो थी, काफ़ी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ नहीं करूँ। कुछ लोग जो हैं वो तो मतलब जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे जानते हैं, वो तो अच्छा ही लगेगा, और बाकी जो लोग हैं वो कुछ नेगेटिव सा कमेंट करने लगते हैं कि यार दिखावा वगैरह ये वो वट एवर पता नहीं क्या क्या, तो उनको वैसा कुछ लगने लगता है। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, चीज़ें हैं, तो मैं फिर भी शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं मेरी बेटियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी होगा, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो वैसे तो सभी के माँ बाप अच्छे होते हैं, किसी के माँ बाप बुरे नहीं होते हैं, सभी अच्छे होते हैं अपने अपने तौर पे, अपने अपने जो तरीके हैं, और अपने अपने हिसाब से यार, सब अपने पेरेंट जो बच्चों को ना, सारे पेरेंट्स अच्छा ही देना चाहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को कुछ ना दें, और कुछ नहीं भी होता है ना तो वो चाहते बहुत कुछ हैं, वो बात अलग है कि नहीं मिल पाए, किस्मत से ज़्यादा तो नहीं मिल सकता किसी को। तो मेरे पापा जो होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और मतलब बेटों के मुकाबले में मुझसे ज़्यादा करते, हालांकि जब मैं हुई थी तब वो इतने मतलब खुश नहीं थे कि
अरे ये मुझे तो लड़का चाहिए था, लड़की कैसे होगी, हमारे जनरेशन में जो है ना होती नहीं है, मैं लिमिटेड एडिशन हूँ, तो एक या दो लड़कियाँ होती हैं बस। तो मैं भी 6 भाइयों में एक बहन हूँ, 2 मेरे भाई हैं और बाकी 4 जो हैं जो चचा हैं हमारे उनके बेटे हैं। तो 6 भाइयों में मैं अकेली बहन हूँ, और इस वजह से, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, मेरे दादा और परदादा जो थे उन्होंने डांटा, कह रहे ऐसा नहीं होता, बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। वो जब उन्होंने देखने आया मुझे, देखो अट्टा कट्टा पहलवान टाइप बच्चा, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब बता, ये बात उन्होंने अक्सर मुझे बताई है। अक्सर जब ऐसा होता है ना कि हम सुनते हैं पेरेंट्स को, ये बात ऐसी होती है जो बार बार अक्सर कहा करते हैं बचपन से रिलेटेड जो भी होती है, तो वो अक्सर कहा करते थे मुझसे ये चीज़ कि बहुत प्यारी थी और मैंने 2 उंगलियाँ दी तो पकड़ के उठने की कोशिश करी थी। ये चीज़ अक्सर जब वो बोला करते थे, मैं अक्सर सुना करती थी, और ऐसे ही सुना करती जैसे फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो ये भी मैं कहूँगी कि ऐसा होता है, तो आप लोग भी इस तरह से सुनें कि आप फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं तब वो करें कि इग्नोर है, हम तो सुनते रहते हैं, आप बोलते रहते हो बार बार। तो और हर चीज़ में जो है ना वो मुझे दिया करते थे हर चीज़, जिसमें हमारा छोटा भाई ये कहता था कि इनको क्यों देना हर चीज़, ये बड़ी हैं, तो कहते थे नहीं बड़ी है तो क्या, वो एक ही लड़की है हमारी, तुम लोग तो यहीं रहोगे, ये तो अपने घर चली जाएगी। और इतना ख्याल रखते थे ना, जब मैं बीमार होती थी तो मतलब वो चीज़ मुझे अभी भी इतनी याद आती है सीरियसली। वैसे तो मैं बीमार पड़ती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब भी पड़ती हूँ तो उनकी इतनी ज़्यादा फील होती है कि हर चीज़ में बार बार पूछते थे, आके लिक्विड बना के देते थे, जो बेटा वो आता है ना वाइटल जेड या ग्लूकोज का वो दवा, डॉक्टर को दिखाना, केले, खिचड़ी, क्योंकि लूज मोशन, वॉमिटिंग, बस यही सब होता था ज़्यादातर कभी गर्मियों में, तो फ़ौरन ही मतलब देना शुरू कर देते थे। वो पूछते थे बार बार आके, बेटा कुछ और चाहिए, बेटा कुछ, तबीयत कैसी है, अब कैसा है। और उनकी तबीयत जब ख़राब हुई उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी बातें मुझसे की, इससे उसी तभी से मैं जो है ना अपसेट होना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगी थी मैं, कि मतलब दिल बैठने लगा था कि यार क्या बुरा होने वाला है ऐसा। और फिर अचानक तबीयत ख़राब हुई, तभी से बस एक दिल में खटका सा था। और जब पापा को मैं मिलने गई उस दिन, मैं बहुत अपसेट थी, सुबह से ही मैं अपसेट थी, और जब मैं उनसे मिलने गई, मिली वहाँ पे शाम को, मगर की वजह से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, अजीब सी उनकी हालत होने लगी, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे कलमा पढ़वा दो, मैंने उन्हें कलमा पढ़वाया, और मुझे दम कर दो मुझे, तो मैंने दम किया। और बस फिर उसके बाद हॉस्पिटल चले गए वहाँ पे, और हम सोचते ही रहे बस कि क्या हो रहा है, किस तबीयत, हालांकि इससे पहले भी इससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा कि दोबारा हम देख ही नहीं पाएंगे पापा को बिल्कुल इस तरह से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान जो कहता है वो सच हो जाता है बिल्कुल, कि जो वो बता रहे थे चीज़ें वो हम सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है चीज़ें। अब जब चले गए हैं तो इस कदर का मतलब इस कदर का मतलब फील होता है, इतना रोना आता है सब चीज़ें कि क्या करें, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और इस टाइम भी मानो मैं फुल मतलब कंट्रोल में हूँ, फुल कंट्रोल में, कि मैं नहीं रोऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये वीडियो अम्मी भी देखेंगी, और मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन भी अम्मी से बात नहीं की पूरे टाइम, जब तक मैं रोती रही, जब मैं कंट्रोल में आ गई तब मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे देख के वो भी रोएं। उनके सामने मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ कि उन्हें तकलीफ़ हो गई। और शादी के बाद भी बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि मैंने रोई हूँ उनके सामने और पापा के सामने, कभी इन लोगों के सामने मैं नहीं करती अपनी कोई बात। और कभी करती भी थी ना तो पता है पापा जो है ना हमारे कह देते थे हंस के कि ना अरे तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती होगी, और माँ बाप समझो, सास ससुर कोई हो, तो इस तरह से वो इतने अच्छे समझाते थे चीज़ें, याद था कि यार। और यही वजह है कि आज तक जो रिश्ता है ना वो इसलिए सब कुछ मतलब नॉर्मल जो है, कभी हमारे पेरेंट्स ने हमारे मामला में नहीं बात किया कि यहाँ पे हमसे कहा कि खुद हैंडल करो सारी चीज़ें। और पता है पापा घर में भी नहीं आते थे, यहाँ पे कभी नहीं आते थे, कि बहुत कम गिनती से कुछ टाइम ही ऐसा होगा कि पापा आए होंगे, वरना वो नहीं आते थे बिल्कुल भी घर पे भी।
कहते थे तुम आ जाया करो मिलने के लिए बस। तो उस टाइम पे भी यही कहा था उन्होंने कि बेटा तुम ही आ जाना मिलने जल्दी जल्दी हमसे, और हम नहीं जा पाए। बिल्कुल बहुत अफसोस होता है इस बात का कि जाना चाहिए मिलना चाहिए। चलो ये चीज़ें थी कुछ शेयर करने की जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। पता नहीं ठीक किया करके कि नहीं किया, लेकिन ठीक है जो मेरे दिल में थी मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आपके साथ भी कुछ बातें। बस इसके बाद लफ्ज़ों ने साथ नहीं दिया, तो बस दुआ ही देना थी। आप लोग भी बस आमीन कह दीजिएगा कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अदा करें, और जितने भी पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं उन सब तमाम लोगों के भी पेरेंट्स को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अदा करें अल्लाह ताला, और ख़बरों को जन्नत का बाग बना दें। बस यही दुआ कीजिएगा आप लोग भी और आमीन कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।